सभी माता रानी के भक्तों को जय माता दी, राम राम। आप देख रहे हैं परफेक्ट टाइम लाइन। मैं संजीव शर्मा इस वक्त चंडी माता के भवन मचेल से। जी हाँ, बिल्कुल बड़े ही हर्षो उल्लास महसूस हो रहा है इस समय आप सभी को लाइव बताते हुए कि माता रानी के भवन के जो कपाट है वो खुल चुके हैं। जी हाँ, आज दिनांक 25 जुलाई माता रानी का भवन दर्शनों के लिए खुल चुका है। आप देख सकते हैं सीधा लाइव तस्वीरें चंडी माता के भवन मचेल से। आप देख रहे हैं अभी परफेक्ट टाइम लाइन। आप सभी से विनती है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी माता रानी के भगत जन जो है उनको माता रानी का आशीर्वाद मिले। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जैसे ही माता रानी के भवन के कपाट खुले तो हम अगर बात करें सिक्योरिटी फोर्सेस की, वो पूरी तरह से अपने ड्यूटीज पर तैनात है। रेड कारपेट बिछ चुका है, इट मींस कि यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट्स। जी हाँ, बिल्कुल सूत्रों के हवाले से खबर है कि आपसे कुछ ही क्षणों बाद यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट्स यहाँ पर होने जा रहा है। तो जैसे कि हम सभी को ज्ञात होगा, हम में से बहुत सारे ऐसे माता रानी के श्रद्धालु भक्त जो प्रत्येक वर्ष माता रानी के दरबार में दर्शनों के लिए आते हैं। आप सभी को पता है कि प्रत्येक वर्ष माता रानी का दरबार जो है वो आधिकारिक तौर पर जो यात्रा है वो 25 जुलाई से शुरू होती है। तो आज वो सौभाग्य वाला दिन, माता रानी का भवन खुल चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से माता रानी के भगत जन कल ही यहाँ पर शाम को 10 बजे तक हजारों की संख्या पर यहाँ पर माता रानी के भवन में पहुंच चुके थे। तो आज हमने सोचा कि हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी माता रानी के भक्तों को दरबार के जो लाइव दर्शन करवाए जाए, दीदार करवाए जाए। और जितने भी माता रानी के भगत जन हैं, आप सभी को हमें बताना चाहेंगे कि जो भी आप माता रानी के दर्शनों के लिए मचेल में आना चाहते हैं, तो आप सभी से विनती, आपके लिए एक सूचना है कि दरबार खुल चुका है। ऐसे तो हम अगर बात करें, प्रत्येक वर्ष बैसाखी के उत्सव के दिन माता रानी का भवन खुलता है तो भगत जन जो है, यात्रु जो है, वो दरबार में आना शुरू हो जाते हैं अपने परिवारों को लेकर। लेकिन जो ऑफिशियली तौर पर, आधिकारिक तौर पर जो माता रानी की यात्रा शुरू होती है वो है, उसकी समय सीमा तय की जाती है प्रत्येक वर्ष 25 जुलाई से लेकर 5 सितंबर तक। कुल मिलाकर 40 दिन यात्रा के होते हैं। उसके बाद भी श्रद्धालु भगत यहाँ माता रानी के भवन में आते रहते हैं। तो हम फिर से आपको एक बार दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो सिक्योरिटी के जो बंदोबस्त है उससे लैस माता रानी का भवन, रस्सियां वगैरह लग चुकी है, कैबिन वगैरह बन चुके हैं। और साथ ही साथ हम आप सभी को, जितने भी आप माता रानी के श्रद्धालु भगत, आप सभी को एक सूचना देना चाहेंगे कि टूरिज्म डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ की ओर से यहाँ पर आज एक सुंदर भव्य यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े नामी कलाकार यहाँ पर आज माता रानी के चरणों में हाजिरी भरेंगे। जी हाँ, हम बात करेंगे बिल्कुल बिल्कुल चमन लहरी जी, जो जम्मू के डुग्गर प्रदेश के काफी चर्चित मशहूर कलाकार चमन लहरी जी, उनके साथ ही कलाकार और भी, और साथ ही दलजीत सिंह राठौर, यहीं मचेल के निवासी पाटरी कलाकार, आज यहां पर अपनी हाजिरी लगाएंगे शाम को जागरण में। हम आपको जागरण का जो मंच है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां से आज आप सीधा प्रसारण जो है, लाइव प्रसारण हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकेंगे। आप देख सकते हैं कि ये वही मंच है जहां पर आज जो माता रानी का भव्य जागरण इनॉग्रल डे पर यहां पर किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ विद कोलैबोरेशन विद टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की ओर से। हम एक बार फिर से जितने भी माता रानी के भगत जन हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं। अभी आप ये सीधा लाइव तस्वीरें चंडी माता के भवन से देख पा रहे हैं। अरेंजमेंट्स की अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो प्रबंध की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अपने तय समय के हिसाब से यहां पर पहले ही पहुंच चुकी हैं। आज हम आपको साथ ही साथ ये लंगर
दिखाने की कोशिश करेंगे लंगर सेवा जो अरोड़ा लंगर उधमपुर की ओर से। जी हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस तरह से माता रानी के श्रद्धालु भक्त दूर दूर से आकर यहाँ पर माता रानी के लंगर का प्रसाद जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में अरोड़ा लंगर के चेयरमैन राजेंद्र अरोड़ा जी को, जिनकी जो सेवा है वो प्रत्येक वर्ष यहाँ पर बैसाखी में जैसे ही माता रानी का भवन खुलता है तब से शुरू हो जाती है। माता रानी का आशीर्वाद है इन पर जो इतना बड़ा कार्य इनको सौंपा गया है। तो लगातार यात्रियों की जो भीड़ है, यात्रियों की जो संख्या है वो हम आपको लाइव तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार बढ़ती हुई। आज से आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से हम बता देना चाहते हैं कि ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर चंडी माता मचेल की जो यात्रा है वो अनाउंस यानी कि शुरू हो चुकी है। अनाउंसमेंट के बाद शुरू हो चुकी है यहाँ पर। अभी अभी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के जो हमारे हेड डॉक्टर देवंश यादव सर डीसी किश्तवाड़ यहाँ पर आए, उन्होंने निरीक्षण किया पूरा सिक्योरिटी फोर्सेस यानी कि ए टू जेड निरीक्षण करने के बाद अभी फिर से वो वापस यहाँ से प्रस्थान कर गए। तो सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि वीआईपी मूवमेंट्स भी होने जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये थी लाइव तस्वीरें सीधा चंडी माता के भवन मचेल से। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।